हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए वाइट सॉस पास्ता। जी हाँ, पास्ता बनाने लगे हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फिर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है ना, एक पैन ले लो और इसमें डाल दो पानी। खुले पानी में ना हमने यहाँ पे जो पास्ता है उसको बॉईल करना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है इसमें एक चम्मच कुकिंग ऑयल। अब जब इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाए, गर्म हो जाए ये पानी, फिर आप इसमें डाल दें पास्ता। ठीक है, पास्ता डाल दें इसमें और इसको उबाल लें, उबलने दें इसको ना, हाई फ्लेम पे आप इसे उबलने दें। 5 से 7 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे कर लें आप, ये उबल जाता है। और मतलब इसको हमने प्रॉपर नहीं उबालना है, 80% तक हमने इसको कुक करना है, एकदम गलाना नहीं है इसको। ये देखिए, ये हमारा पास्ता जो है कुक हो चुका है, तो हम इसको अलग से निकाल लेते हैं। हम छलनी में निकाल देते हैं ताकि इसका जो पानी है वो ड्रेन हो जाए। ये देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से जो है ना ये उबल चुका है। अभी ना हम इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो लगा के रख देंगे ताकि ये चिपके नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा लगा दें, है ना, 1/2 टीस्पून जो है आप इस पर ऑयल डाल दें। अब हम करते हैं नेक्स्ट काम। तो एक पैन ले लो, उसे चढ़ा दो गैस के ऊपर और इसमें डाल दो 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल। फिर जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें 2 गार्लिक 2 लहसुन जो है हमने चॉप करके डाले हैं, 2 लहसुन की कलियां जो है हमने चॉप करके डाली हैं, तो ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउनिश हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वेजीज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाल रहे हैं प्याज। प्याज जो हमने लंबे लंबे साइज़ में काट के इसमें डाल दिया है। फिर डाली है हमने ग्रीन वाली शिमला मिर्च। अब डाल रहे हैं हम रेड वाली शिमला मिर्च। फिर हम यहाँ पे डालेंगे गाजर। गाजर डाल दी है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना बारीक काट के डाली है हमने। और इसको चला लें आप, ठीक है, चला लें इसको। और कोई वेजीज अगर आपको ऐड करनी है, आपकी कोई फेवरेट वेजीज है, बीन्स डाल सकते हो, है ना, और जो भी आपको पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने थोड़ा सा ना सॉफ्ट कर लेना है, सॉफ्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी यहाँ पे हम नमक ऐड कर रहे हैं, इसमें नमक डाल दो एज़ पर टेस्ट, जितना भी आप खाते हो उस हिसाब से। फिर डाल दें इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और अब आप इसको चला लें, है ना, मीडियम फ्लेम पे जो है ना, इसको आप सॉफ्ट सा हो जाने दें, है ना, सॉफ्ट सा होने दें। ये देखिए कुछ इस तरीके से 5 से 10 मिनट तक आप इसको कुक होने दें, है ना। इनका कलर ना चेंज हो, बस कलर इनका ऐसे ही रहना चाहिए, और 70% इनको कुक कर लें आप, ठीक है। ये देखिए हमारी सब्जियां कुक हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, यानी कि हम वाइट सॉस बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हम डालेंगे बटर। बटर जो है यहाँ पर हमारे पास है 3 टेबल स्पून बटर डाला हमने, 3 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। और इसको अब पिघलने दें, ये एक बार पिघल जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। 3 टेबल स्पून बटर है तो 3 टेबल स्पून ही हमने मैदा यूज़ किया है। इसमें आप डाल दें और इसको अच्छे से चला लें, अच्छे से चला लें। बिल्कुल भी आप इसमें लंप्स गांठे सी ना बनने दें, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको चलाना है ताकि इसमें गांठे ना बने, लंप्स ना बने, और बहुत ही प्यारी सी सॉस जो है वो बन के रेडी हो जाए। मतलब कंसिस्टेंसी जो है ना सॉस की, वो ना ही पतली होनी चाहिए ना ही गाढ़ी होनी चाहिए, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप दूध जो है वो डाला है, 2 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे चलाते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, अब आप देखेंगे ना बहुत ही प्यारी कंसिस्टेंसी जो है ना सॉस की बन के आएगी। ये देखो भाई, इस तरीके की कंसिस्टेंसी जो है ना आप बना के रेडी कर लें, ये देखिए बहुत प्यारी बन के आई है, बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए, तभी जो है ना ये सॉस अच्छी बनती है। और इसमें जो मेन काम सॉस का ही है, अगर सॉस अच्छी बनेगी तभी आपका पास्ता टेस्टी लगेगा। तो अभी हमने इसमें ऐड करी है काली मिर्च, 1/4 चम्मच जो है काली मिर्च ऐड कर दी है, और इसको अच्छे से चला लें, अच्छे से चला लें। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता जो हमने कुक करके रखा था। पास्ता डाल दो इसमें और इसको बढ़िया से चला लो, अच्छे से चला लो। फिर इसमें ऐड कर दें आप वेजीज़, वेजीज़ जो हमने
भून के रखी थी, फ्राई सी करी थी है ना, वो इसमें डाल दें और बढ़िया तरीके से इसको चला लें, एकदम लिपट जाए है ना ये सॉस के साथ, एकदम लिपट जाए। ये देखिए भाई, फिर अब हम इसमें डाल रहे हैं चीज़। यहाँ पे हमने जो है चीज़ स्लाइस यूज़ करे हैं, तो आप अमूल वाला चीज़ हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो जो चीज़ी सा होता है ना एकदम, जो पिज़्ज़ा में हम यूज़ करते हैं वो वाला चीज़ यूज़ करना, ताकि ये इसमें पिघल जाए है ना। तो अब डाल दें चीज़ इसमें, दो स्लाइसेस डाले हैं हमने चीज़ के, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, बढ़िया तरीके से जो है हम मिक्स कर लें, ताकि ये सारे ना लिपट जाएं, एक दूसरे में घुल मिल जाएं, सारी सब्जियां, वेजेस और सॉस सब कुछ। ऊपर से हमने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल दिया, हरा धनिया काट के डाल दिया, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक बन के आ गया हमारा पास्ता जो है रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम लिपट्टमा सा जो है ना बन के आया है। ये हमने इसको सर्व भी कर दिया है, तो आप ज़रूर ट्राई करना, आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर आपको हमारे वाला पास्ता अच्छा लगा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और फीडबैक दें है ना, फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और खुश रहें।